तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रांची लौटे हैं बाबूलाल मरांडी और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी की जो खबरें चल रही थी वो निराधार है कोई उसमें सच्चाई नहीं है वो बिल्कुल नाराज नहीं है यहां तक कि उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जुड़ने से संगठन मजबूत होगी और चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा इधर दिल्ली से भी चंपाई सोरेन रांची लौट आए हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया रांची पहुंचते ही चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा देने की बात कही साथ ही उन्होंने जासूसी से जुड़े सवाल पर कहा कि इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे जिसमें झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे करेंगे। देंगे। सीधे करते हैं सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चंपाई सोरेन झारखंड आ चुके हैं बाबूलाल मरांडी नाराजगी की खबरों को खारिज कर चुके हैं यानी कि बीजेपी के लिए चुनाव से पहले सब कुछ ठीक होता दिख रहा है आ, सही कहा क्योंकि शुरू में जो नाराजगी कई माध्यम के माध्यम से देखने को मिला था हालांकि बाबूलाल मरांडी ने उससे अब इनकार कर दिया है उन्होंने साफ तौर पर कहा जब दिल्ली पीएम से मुलाकात करने के बाद दे... दिल्ली से रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट में निकलने के बाद उन्होंने कहा कि किसी तरह की नाराजगी नहीं है चंपई सोरेन के पार्टी में आने से और कहीं ना कहीं पार्टी को बल मिलेगा और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसे घर में कोई व्यक्ति आता है मेहमान आते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं खुशी मनाते हैं उसी तरह चंपई सोरेन भी पार्टी में आ रहे हैं लोग खुश हैं और उनके साथ मैं भी खुश हूँ हालांकि अब देखना होगा क्योंकि उसके बाद चंपई सोरेन भी दिल्ली से रांची पहुँच गए हैं और उन्होंने कहा कि वे झारखंड के हित में या हैं झारखंडियों की भावना को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और फिलहाल यदि बात करें तो वे जो अपने पद है उससे इस्तीफा देंगे हालांकि तीस तारीख को जो विधिवत तरीके से कर सकते हैं जो वे बीजेपी में शामिल होंगे और अभी फिलहाल वे एयरपोर्ट से निकल के सीधे अपने आवास पहुँचे हैं और उनके स्वागत में कह सकते हैं हजारों की संख्या में जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे जुड़े हुए लोग थे वे एयरपोर्ट पहुँचे थे उनके स्वागत के लिए और भव्य तरीके से चंपई सोरेन का एयरपोर्ट में स्वागत भी हुआ है हालांकि उन्होंने सभी का अभिनंदन भी किया है और चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड हित को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है और जो निर्णय लिया है बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं इससे झारखंडियों का भी कल्याण होगा जी बिल्कुल संदीप ऐसे में एक चीज और लगातार बातें सामने आ रही थी कि चंपाई सोरेन की ग्रैंड एंट्री होगी बीजेपी में और चंपाई सोरेन और उनके बेटे अब तक क्या कुछ इस बात में और सुखबुगाहट सियासत में दिख रही है सूबे के कि कुछ और लोग भी बीजेपी में उसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल माराणी जब एयरपोर्ट उतरे थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका भव्य तरीके से स्वागत पार्टी में भी होगा हालांकि वे एक संकेत जरूर दिए थे कि आने वाला वक्त बतलाएगा कई लोग और भी आ सकते हैं हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वहां लोग खुश नहीं है यही वजह है कि कई लोग आने वाले दिनों में उनके साथ हो सकते हैं संकेत जरूर बाबूलाल मरांडी ने भी इस देने का काम किया है हालांकि उन्होंने कहा कि तेईस तीस तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें चंपई सोरेन पार्टी में शामिल होंगे और उस दिन जो झारखंड के विधानसभा प्रभारी हैं वो दोनों और उप प्रभारी दोनों ही राजधानी रांची में होंगे हालांकि जो अटकले लग रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं पर उसको कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने अभी खारिज किया है हालांकि उन्होंने कहा कि जो विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो और उप प्रभारी दोनों मौजूद होंगे पर अभी तक गृह मंत्री के नाम पर जो है वह से अभी बरकरार है जी चलिए संदीप आप हमारे साथ जुड़े रहे चंपाई सोरेन जब एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए निकले आवास पहुंचने पर भी पत्रकारों से बातचीत हुई उन्होंने उस समय क्या कहा एक बार उस पर भी नजर डालते हैं भारतीय हाँ। जनता पार्टी 30 तारीख को हम सदस्य लेंगे दादा आप तारीख दे रहे हैं मंत्री पद पे और झामुमो जलन हाँ तो सारा चीज से आज हम देटी देटी कितने खुश है सर भाजपा का दामन थाम करके लगता है कितना मजबूत हो पाएंगे राजनीतिक मुद्दे या ज्वलंत मुद्दे जो, जो राज्य के हैं वो बीजेपी दल में काम करते थे राष्ट्रीय दल में सबसे बड़ा पार्टी में हमको हम तो काम करने का मौका मिलेगा झारखंड को विकास करना है और आदिवासी के अस्तित्व जो खतरा में है जो हमने काल पोस्ट किया है इससे बढ़िया मच हमको कहीं नहीं चले सीधे सहयोगी संदीप के पास एक बार फिर से चलते हैं चंपाई सोरेन काफी खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले से संदीप आ, सही कहा क्योंकि जो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन था जिस तरह से वे एयरपोर्ट से बाहर निकले और गाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को हाथ हिलाकर और जो मुस्कुराहट मुश्कुरा, उनके चेहरे पे एयरपोर्ट में दिखी थी वो, दिखी थी वही मुस्कुराहट घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर पहुंचे थे और घर अंदर प्रवेश करने से पहले ही जब गाड़ी से उतरे तो उनके चेहरे में जो एक्सप्रेशन था वो कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा था कि वो जो कदम उठाए हैं या फिर जो उनका निर्णय है कहीं ना कहीं सकारात्मक रहा है और उस निर्णय से साबित संदीप इसी सकारात्मकता को हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे क्या माना जाए एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है एक व्यक्ति जो अभी मंत्री था हालांकि उनके इस्तीफा देने की खबरों की अभी पुष्टि का इंतजार हम कर रहे हैं लेकिन खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है तो ऐसे में यह मानकर चलें कि अब वो मंत्री थे अभी तक तो बीजेपी में जाने के बाद उन्हें और बेहतर क्या विकल्प दिख रहा है जिसको लेकर वो इतने खुश नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन की बात की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे भी उन्होंने तीन महीने तक का जो कमान है वह संभाली और हालांकि उस दरमियान जो उन्होंने आ, 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 अपने पत्र के माध्यम से सार्वजनिक भी किया था कि वे जनता के लिए जो राज्य की जनता है उनके लिए जितने दिन वे मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं तो उनके लिए ही काम किया है हालांकि अब जब वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा और उसके बाद भी उनके चेहरे पे कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने मंत्री पद से वे इस्तीफा देंगे हालांकि जो भी आ, सोच के आ, बीजेपी का दामन चंपई सोरेन ने थामा है तो जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी से या जरूर पहले डील जरूर हुई होगी कि आखिर आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें चंपई सोरेन की क्या भूमिका होगी हालांकि जब चलिए क्या भूमिका होगी इस पर सबकी नजर है कोई खुलासा नहीं करता दिख रहा है हम अंदर खाने क्या खलबली मची हुई है इसका खुलासा जरूर करेंगे संदीप नजर बनाए रखें धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए